मैंने मैं डिस्कस कर रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 19 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. तो मुझे जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आता है तो आपको कोई डिस्काउंट से रिलेटेड बातें करनी है. सो हमें पैसे मिले हैं कैश अकाउंट डेबिट. अक्षत पूरा अटेंटिव रहना मुझे बताइए कितने पैसे मिले हैं. ठीक है और कितने का डिस्काउंट है. 2,000 यस और कृष्ण स्वरूप का काम कितने से खत्म होगा. 40,000 बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मुझे सभी बच्चे. Received 38,000 from Dushyant on his account for 40,000. बताइए क्या यहाँ पे full settlement word लिखा है. यहाँ पे full settlement word नहीं लिखा है. तो यहाँ पे हमें discount allowed और discount received की बातें नहीं करनी है. फिर क्या करना है. देखो वो कह रहे हैं 38,000 मिले हैं टोटल 40 में से. अब आप बताएं हम क्या माने. ये माने कि 2,000 मिले ही नहीं या फिर मिल जाएंगे फ्यूचर में मिल जाएंगे. क्या माने भव्य. क्या फ्यूचर में मिल जाएंगे. यस क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है तो हम ये नहीं मानेंगे कि अब हमें कोई और पैसे मिलेंगे ही नहीं. हम ये मान लेंगे कि अभी नहीं मिले हैं फ्यूचर में मिल जाएंगे. तो आपको यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह की बातें नहीं करनी. तो बताइए धृति इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए मुझे. कैश अकाउंट डेबिट 38,000 टू डिफरेंस अकाउंट 38,000. यस हमें 2,000 की कोई बात ही नहीं करनी क्योंकि वो हमें बाद में मिल जाएंगे. फुल सेटलमेंट तो लिखा नहीं है. आगे अवश्य ये ध्यान से मैंने ये वाला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इनसॉल्वेंट वाला वर्ड. इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो बैंकक्रप्ट हो गया है अब उसके पास पैसे नहीं है अब उससे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. तो ये बैड डेट्स होते हैं. तो अक्षर चाहे देख के ही बताओ बट एक बार इसकी एंट्री बताओ. बैड डेट्स मैंने यस अक्षत पैसे मिले हैं 15,000 मिलने थे बट 65 पैसा इन अ रूपी मिले. मुझे इसका क्या मतलब बताया था अक्षत. 65 पैसा इन अ 65% यस 65% ऑफ द टोटल दैट वी हैड टू रिसीव. तो हमें 65% मिले हैं 15,000 का. तो भव्य कितना मिला है. 9,750 और बाकी हमें मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है. वो हो गए बैड डेट्स. बैड डेट्स और वो हो गए हैं हमारे 5,250 के. और बीरू का अकाउंट हम पूरे से खत्म करेंगे. ये हमारी एंट्री होगी. यस प्रेरिका उसे ऐसे ही किया आपने. यस मैम. गुड आई एम ऑल्सो चेकिंग साइड बाय साइड. मुझे लगता है मुझे आपका इसका होमवर्क ही नहीं मिला. मैम दिस क्वेश्चन आई डिडंट सेंड एट दैट टाइम. आई विल सेंड यू आफ्टर क्लास. ओके चलिए आई विल जस्ट सॉल्व. Just solve it right. Okay. So, we have goods का list price 20,000. Trade discount है 10%. तो 2,000 का trade discount हो गया, 18,000 का सामान हो गया. और 5% का
कैश डिस्काउंट है, सारे पैसे अभी के अभी हो रहा है, सारे पैसों का काम। तो अक्षत बताइए, 18,000 का 5%7100 यानी नौ, अब 900 900 और ये 17,100। ओके, अब इसकी एंट्री द्वितीय विजय, इसकी एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट 1710 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 18,000। गुड, ऑलराइट बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14। बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे। पहली एंट्री तो ओपनिंग एंट्री है, ओपनिंग एंट्री, सारे एसेट्स को डेबिट, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट। और बताइए अक्षत, अगर बैलेंसिंग फिगर हो कोई, उसको क्या लेते हैं? मतलब अगर डेबिट और क्या चीज अगर ओपनिंग एंट्री में सारे एसेट्स को डेबिट, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट, ठीक है? और अगर डेबिट क्रेडिट मैच ना हो रहा, फिर उसे हम वो कर या क्या कहते हैं वैसे? आप देख के बता सकते हैं। क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री नहीं, वो तो उसका नाम होता है, बैलेंसिंग फिगर। जैसे डेबिट और क्रेडिट का अगर टोटल सेम नहीं आता तो क्रेडिट पे छोटा रह जाता है, फिर उसको क्या लिखते हैं? यस भव्य, आप बताइए उसे। एफ कैपिटल। यस, कैपिटल अकाउंट, याद आया अक्षर? यस मैम, यस मैम। नोट करिए साथ साथ अक्षत। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है भव्य, कितनी आ रही है उसे? 65,100। 65,100, राइट? यस सर। उसके बाद ये भी बहुत ध्यान से करने वाला है नेक्स्ट पार्ट, कैलाश वाला। वैसे अच्छे से नोट कर लिया अक्षत? यस मैम, आई नोट। ऑलराइट, नेक्स्ट ध्यान से करेंगे। 20,000 का टैग लगा हुआ है लिस्ट प्राइस, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है यानी 2,000 का, तो 18,000 हो गया। इसके दो टुकड़े कर देंगे, 60% राइट नाउ और 40% लेटर ऑन। और जो राइट नाउ है उस पे 2% का कैश डिस्काउंट। सिंपल है, कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। टेन थाउजेंड फाइव एट करेक्ट।
तो जो पैसे हमको बाद में देने हैं उतने से हमारा क्या बन जाएगा सान्य? जो पैसे हमको लेटर ऑन देने हैं उससे हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिट। ओके, सो एंट्री हो गई। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू टू टू। कैश अकाउंट पैसे जा रहे हैं पॉकेट से। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और क्रेडिटर का नाम। परचेजेस के आगे या सेल्स के आगे हमेशा हमेशा वो वैल्यू लिखते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है। फिर हमारी पॉकेट से अभी जा रहे हैं 10,584। डिस्काउंट मिल रहा है 216 का और क्रेडिटर बन रहा है 7,200। फिर सोल्ड गुड्स टू एक्स, सिंपल, एक्स टू सेल्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन भी लिखनी है साथ साथ। यस विषय अक्षत नोट कर रहे हैं? यस मैम। ओके, अच्छा इसमें ना आपको डाउट्स आए होंगे, जैसे एक डिसऑनर वाली वाला पॉइंट था, वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, अप्रैल 15। और किस में डाउट आया भव्य? अप्रैल 8 नहीं हुआ था, अप्रैल 18। हाँ जी सही है, ये सारे डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं। कुछ मतलब थोड़े से ही डिस्कस करने की जरूरत है, कुछ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। मैम हाँ जी मैम, ओपनिंग एंट्री की एक बार नरेशन बता दो। यस यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ी अलग सी एंट्री है। कुछ भी नहीं बचे, सिंपल बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड, बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। ओके, यस, इसके बाद लिखा है कि हमें एक्स से 14,800 रुपीस मिले फुल सेटलमेंट में। अच्छा बच्चे एक बार बताएंगे अक्षर, ओपनिंग एंट्री में देख के बताओ, एक्स हमारा डेटर कितने का था? 6,000। राइट, और यहाँ पे एक्स हमारा डेटर कितने का बन गया? 9,000। तो अब टोटल कितने का हो गया वो डेटर? 15,000। और उसने हमें कितने रुपए दिए? 40,000। वो भी फुल सेटलमेंट में, यानी यहाँ पे डिस्काउंट की बातें होंगी। तो 200 रुपीज। हाँ जी करेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे, एक्स हमारा डेटर था ओपनिंग एंट्री से 6,000 का, और एक्स हमारा डेटर बन गया इस एंट्री से 9,000 का। तो एक्स हमारा टोटल डेटर है 15,000 का, और उसने आपको 14,800 रुपीज दिए हैं फुल सेटलमेंट में। कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, वैसे तो मुझे ये भी आपके साथ डिस्कस करना है, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, पर हो सकता है आपने इसकी एंट्री ठीक पास कर दी हो। अक्षर विषय नोट कर रहे हैं ना? यस मैम। चलो अब मैं एक कॉन्सेप्ट मैं इस पे दोबारा आऊंगी, एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं कैश डिपॉजिटेड इंटू बैंक। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या ट्रीटमेंट था अक्षर बता सकते हो? अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। नो नो नो,
कैश डिपॉजिट पैसा जो मैंने रिपो, बैंक बैंक के नाम से एक वो बनता था मेरा हाँ जी कॉलम बनता था, उसमें वो भी ऐड या बनता है लेस? ऐड और कैश में? कैश में सब्ट्रैक्ट। गुड। अब इसी को अगर हम जर्नल में समझने की कोशिश करें तो ये ज्यादा इजी रहेगा मॉडर्न अप्रोच से। मॉडर्न अप्रोच में जैसे पांच अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। प्रियंका बच्चे बताइए बच्चे, कैश, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या है? एसेट और एसेट अगर कम होता है तो हमें मॉडर्न का रूल क्या कहता है? क्रेडिट डेबिट इंक्रीज क्रेडिटर्स। यस प्रियंका बच्चे, कम क्रेडिट इंक्रीज होता है और डेबिट लेस होता है। नहीं उल्टा हो गया, चेक करो। सॉरी मैम, डेबिट इंक्रीज होता है, क्रेडिट लेस होता है। राइट। सो ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट है, लेट्स से 5,000। चलिए नोट करिए बच्चे इसको। एक और लिखते हैं ऐसे ही। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। वैसे प्रेरिका बताइए, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होता था? अगर मैम यही बैंक अकाउंट में से माइनस होता है एंड कैश अकाउंट में एडिशन हो जाती करेक्ट, तो हमने बैंक में से पैसे निकाले। अगेन मॉडर्न अप्रोच से सोचना ये काफी इजी रहेगा। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स पांच तरह के होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंसेस। कैश क्या होता है? एसिड बैंक क्या होता है? एसिड राइट। सो जो एसेट बढ़ता है उसे क्या करते हैं डेबिट और जो एसेट कम होता है? डेबिट अब इसकी एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लेते हैं 5,000। सो अब हम वापस आ रहे हैं अपने क्वेश्चन पे, उसमें हम अप्रैल 6 देख रहे हैं। नोट कर लिया उसे अक्षत? यस मैम। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। इसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है बशे, अक्षत बताइए वाई से हमें कितने रुपए मिलने थे? ओपनिंग एंट्री देख के बताना, वाई से हमें कितने रुपए मिलने थे? यस और कितने मिले हैं?
7,850 तो डिस्काउंट कितने का है बच्चे? 150 गुड यस बच्चे प्रेविका इज दिस क्लियर यस मैम ओके अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको चेक मिलता है किसी पर्सन से और वो कुछ दिन बाद बैंक में जाता है तो फिर हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है. तो जब आपको चेक मिला है जेड से, जब आपको चेक मिला है जेड से तो आपने एंट्री करनी है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. ये आपका एक कागज का टुकड़ा है जो वैसे आपका एक एसेट है. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट. और फिर जब ये चेक, ये कागज का टुकड़ा बैंक में चला जाएगा तो प्रियरिका मुझे एंट्री बताइए. जब ये कागज का टुकड़ा हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट राइट. सेम अमाउंट ऑब्वियसली. डिसऑनर के लिए बच्चे जगह छोड़िए, इसमें तो मुझे थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी. अप्रैल 15 के लिए आप स्पेस छोड़ेंगे. ओके इसके बाद आते हैं अप्रैल 16. अप्रैल 15 के लिए हमने स्पेस छोड़ा है, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा. अप्रैल 16 अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक. वैसे अक्षत बताइए अजय को हमने कितने पैसे देने थे, ओपनिंग एंट्री देख के बताएंगे. और हमने कितने दिए उसको चेक से, कुछ लिखा हुआ है? No, ma'am. तो फिर कितने दिए होंगे? सारे दे दिए होंगे ठीक है. और चेक से दिए तो भव्य एंट्री बताइए. अजय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. मैम एंट्री शायद से स्किप हो गई है अप्रैल 16 की. दो एंट्री हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक और है राइट. चलो वो पहले होगी कोई बात नहीं. अप्रैल 16 की एक एंट्री और है. ओके कैश सेल्स 15,000 आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके बच्चे इसका मतलब है कि टोटल हमने 15,000 रुपीज का सामान बेचा है तो हमारे पास 15,000 रुपीज आए पर उसमें से 12,000 हमने बैंक में जमा करवा दिए. देखो मैं बड़ा इजी तरीके से इसकी एंट्री बताऊंगी. जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ रहे. बाकी के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू टू क्या होना चाहिए अक्षत? टू क्या होना चाहिए? वन मिनट हाँ क्रेडिट पे बताना. आप
प्रेरित का विषय आप बताइए. टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट, ठीक है. तो चेक से मिला है हमें 12,000, कैश में मिला है 3,000 और सेल्स हुई है 15,000. ठीक है, चलो. अब एक बात आ गई कि आपको डाउट आया अप्रैल 18 में, यहाँ तक नोट करिए फटाफट. मैम इसका भी एक बार रीजन बता दो. इसका अप्रैल 16. ओके. बीइंग यस मैम गुड सोल्ड फॉर रुपीज 15,000, फिर लिख दो 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आगे बढ़ते हैं. यस विषय अक्षत आई यू नोटिंग. यस चलो अभी फिर से वापस आऊंगी और हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट. विषय मेरे ना जूम की मेंबरशिप ओवर हो गई तो ना 40 मिनट्स के बाद मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी, तो इमीडिएटली मैं दूसरी मीटिंग जनरेट करके आपको मैसेज भेजूंगी ग्रुप पे, फिर आपको फटाफट वो ज्वाइन करके आना है. अभी आई विल अपग्रेड सून. आज हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट्स के अंदर. ओके, कॉन्सेप्ट है ओल्ड न्यूज़पेपर्स सोल्ड. अब ये तो रद्दी है, इसके लिए क्या अकाउंट खोले हम? देखो कैश तो आए गई तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये तो एक छोटी मोटी सी इनकम है तो हम इसके लिए थोड़ा अलग सा अकाउंट खोल रहे हैं. आप ध्यान दीजिएगा, मिसलेनियस इनकम अकाउंट. अवश्य मिसलेनियस का मतलब होता है छोटी मोटी मिक्स मिक्स इनकम. कोई छोटी मोटी इनकम्स है, हम अलग अलग कोई नाम नहीं दिखा रहे इसका. मिसलेनियस इनकम, तो जब आप ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करोगे तो आप मिसलेनियस इनकम अकाउंट ओपन करोगे. कोई भी अमाउंट हो सकता है. वापिस आ रहे हैं क्वेश्चन पे. लिख लिया था उसे अक्षत? यस मैम. क्वेश्चन पे वापिस आ रहे हैं. ओके, अब लिखा हुआ है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड. तो इसे आप बताएं, जो फर्नीचर बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? अक्षत सेल्स अकाउंट खोलते हैं? नो मैम, फर्नीचर अकाउंट. यस, तो हम इसके लिए एक कलेक्टिव एंट्री कर देंगे अप्रैल 18 के लिए. कैश अकाउंट डेबिट टू टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट. 50 रुपीज की मिसलेनियस इनकम है, 750 का फर्नीचर. ये वो ओके. इसके बाद विषय जेड जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया. तो विषय सॉरी, इनसॉल्वेंट वर्ड देखते ही आपके मन में बैड डेट्स आना चाहिए. तो जेड इनसॉल्वेंट हो गया. पहले तो देखे जरा जेड से हमें मिलने कितने रुपए थे. तो जरा ऊपर जाइए ओपनिंग एंट्री में देखो. पहले तो जेड कितने का डेटर था हमारा? 10,000. ठीक है, और बीच में चेक करो अप्रैल 10
को हमें कितने का चेक मिला जेड से? 2000 2000। तो फिलहाल हमें जेड से कितने रुपए लेने? 8000 यस, बहुत ओ ध्यान से विषय। 10,000 रुपीज लेने थे, वो हमारा डेटर था। 10,000 रुपीज से ऊपर ऊपर हमें लिखा हुआ है, और फिर उससे हमें चेक मिला है 2000 का। तो फिलहाल हमें उससे 8000 रुपीज लेने हैं, और वो इंसॉल्वेंट हो गया है। और उससे कितने पैसे मिल पा रहे हैं अक्षत? 40 पैसा इन अ रुपी का मतलब, 40%। तो 40% ऑफ व्हाट? फॉर एन 8000। यस, कैन यू फाइंड आउट द अमाउंट? यस मैम। ट्वेल्व हंड्रेड। नो, 3200 मैम। मैं 3200 है, 3200। एंड कितने नहीं मिले? 4800 4800 सो जब भी हम इंसॉल्वेंट वर्ड देखेंगे तो हमारे मन में आना चाहिए बैड डेट्स। चल, अप्रैल 22। मैम, हाँ जी बच्चे। आई हैव यू ओपन अ बैंक अकाउंट? बिकॉज बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है चेक मिला है हमें, वी हैव रिसीव्ड चेक। देखिए एक बार, फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन टू बैंक। यस बच्चे, मैम, बट आगे कहीं पर दिया नहीं हुआ तो हम उसको कैश अकाउंट नहीं लेंगे। नहीं बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जब आगे कहीं नहीं दिया होता चेक के बारे में, तो हम ये ही मानते हैं कि जिस दिन वो मिला उसी दिन वो बैंक में गया। यहाँ पे तो इनफैक्ट उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि उसी दिन बैंक में गया। तो अगर चेक उसी दिन बैंक में चला जाता है जिस दिन वो मिलता है, तो हम डेफिनेटली बैंक अकाउंट ही ओपन करते हैं। ठीक है? यस। और अगर चेक थोड़े दिन बाद बैंक में जाता है, तो हम चेक इन हैंड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? यस ओके। इसकी एंट्री अक्षर बताएंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक। गोपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट। नहीं, परचेजेस वर्ड तो खोलना ही है ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो पक्का पक्का परचेजेस अकाउंट ओपन करना है। ठीक है बच्चे? ओके। सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बच्चे, हाफ ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर जो गुड्स लिखे हैं उसका हाफ। तो 8000 का हाफ करें पहले तो, ठीक फोर है? 4000 के गुड्स हमने 30% के प्रॉफिट पे बेचे, तो कितने के बेचे होंगे? 5200 5200 किसको बेचे? चंद्रका प्रॉफिट को क्या अलग से शो करते हैं अगर सेल्स अकाउंट वर्ड यूज नो करें मैम तो? नो मैम यस, सो द फाइनल एंट्री इज चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फाइनल अमाउंट बस लिख देंगे, प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करते हैं। तो मैं रिमाइंड करा रही हूँ, एकदम से मीटिंग जब स्टॉप हो जाएगी तो मैं फटाफट आपको न्यू मीटिंग का आईडी दूंगी, पासवर्ड दूंगी, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। ओके।
25th मैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में ही डिस्कस करती हूँ, और अभी मैं फटाफट डिस्कस कर लेती हूँ अप्रैल 30th पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। प्रियंका बच्चे बता सकते हैं इसकी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक यस अकाउंट। बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज कि हमें एम्प्लॉई का नाम अपनी बुक्स में शो नहीं करना है, हमें एम्प्लॉई का नाम में ही शो करना है। वो चाहे हमें नाम देके कंफ्यूज करेंगे बट हमने नहीं शो करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ध्यान से देख लीजिए। रेंट टू बैंक 1500, 1500। देन लास्ट अप्रैल 30th पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। राइट विशन, सो ये हमारा हो गया। अब मुझे डिस्कस करना है बीच में अप्रैल 25th हम डिस्कस करेंगे। यस अक्षत बच्चे, नोट कर लिया? यस मैम, ये ट्रेड वाला करो। हाँ करिए, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। चलो अब कॉन्सेप्ट लिखते हैं। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। देखिए विषय ये आपको आता है, मैं वैसे ही एक बार रिवाइज करवा रही हूं। तो अच्छे बताइए, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पक्का पक्का कौन सा अकाउंट खुलता है? ड्रॉइंग्स। यस, और ड्रॉइंग्स पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है? पर्सनल। पर्सनल का रूल बोलिए सभी। डेबिट डेबिट वोट का रूल गिवर। यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं बिजनेस हूँ, वो ओनर है, वो कुछ पैसे निकाल के लेके जा रहा है, तो वो रिसीवर है, इसलिए ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग्स को डेबिट ही करते हैं। अच्छा, अब अगर तो वो कैश निकाल के लेके जा रहा होता तो टू कैश अकाउंट कर देते, बट अब क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक। हाँ, पर अभी तो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसे आप वो वाला बता रहे हैं शायद, दूसरे वाला क्वेश्चन वाला। ओके, तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे निकाल के लेके जाता है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है ना, उसमें से वो पैसे निकाल के लेके जाता है। सिंपल है, ये आपको आता था, मैंने वैसे ही कॉन्सेप्ट की फॉर्म में लिखवा दिया। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका अप्रैल 25th तैयार रखो मुझे बताने के लिए। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से निकाला मतलब कैश निकाला, एंड 3000 फ्रॉम बैंक। प्रोप्राइटर ने टोटल 5000 रुपीज निकाले हैं, 2000 उसने कैश की फॉर्म में से निकाले हैं और 3000 उसने बैंक से निकाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए भव्य एंट्री बताइए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यस, सभी बच्चे चेक करिए प्लीज। इज दिस ओके प्रियंका?
Yes, ma'am. Sanya. Yes, ma'am. Dhriti. Yes, ma'am. Akshat. Yes, ma'am. चलिए अब हम आज का नया कॉन्सेप्ट करते हैं. बीच बीच में किए भी हैं कुछ. सो लेट अस कम टू दिस कॉन्सेप्ट. मान लीजिए लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड into bank. entry बताएंगे भव्य. check मिला है रमेश से. मैम हाँ जी बताइए. bank account debit to check in hand account. correct. नहीं एक मिनट. चेक इन हैंड क्यों बचे. डिपॉजिटेड इनटू बैंक है. ओके आप मुझे देख सकते हैं ना. नो मैम. ओ आप मुझे देख नहीं सकते तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं. जस्ट अ सेकंड. आप देख सकते हैं मुझे. यस मैम. चलो ये नोट करें. चेक रिसीव फ्रॉम रमेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब एंट्री बताइए भव्य. बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ जी. टू रमेश अकाउंट. ठीक ये हमारी एंट्री. यानी कि इसका मतलब सिंपल सा है. मुझे रमेश से चेक मिला. मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो मुझे लगा बस मेरे अकाउंट में पैसे आ गए. बट मुझे ऐसा नहीं होता है. कई बार मुझे एक दो दिन बाद मैसेज आ जाता है बैंक की तरफ से कि वो जो चेक आपने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर का मतलब कुछ बता सकते हो. बाउंस हो गया. दैट कुड बी वन रीजन. बाउंस हो गया मतलब रमेश के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे. पर डिसऑनर होने के और भी कई कारण हो सकते हैं. जैसे हाँ डेट गलत नहीं है. कहीं साइन नहीं मैच हो रहे. मतलब साइन मैच नहीं हो रहे. या चेक की हालत ठीक नहीं है. इट इज टॉर्न. या जहाँ पे लिखा हुआ है फिगर्स में लिखना है या वर्ड्स में लिखना है वहां पे आपने फिगर्स में लिख दिया. जहाँ यू नो वर्ड्स में लिखना था वहां फिगर्स में लिख दिया. जहाँ फिगर्स में लिखना था वर्ड्स में लिख दिया. तो भी चेक डिसऑनर हो सकता है. सो चेक डिसऑनर के कई कारण हो सकते हैं. तो जब मुझे न्यूज मिली बैंक की तरफ से कि वो चेक जो रमेश वाला आपने बैंक में डाला था वो तो डिसऑनर हो गया. अब मैं क्या करूं. मैंने तो एंट्री पास कर दी है. तो बच्चे मैं इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दूंगी. रिवर्स एंट्री ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए. क्योंकि एक तरह से मुझे गलती लग गई थी कि मेरे पास पैसे आ गए रमेश की तरफ से बट एक्चुअली आए नहीं है. क्योंकि आपको थोड़े टाइम बाद मैसेज मिल गया बैंक की तरफ से. तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लिखें. रमेश चेक Dishonored. तो एंट्री क्या करूं बच्चे. रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यस रिवर्स एंट्री. और इसका मैं एक और लॉजिक भी देती हूँ आपको. अभी एक और लॉजिक भी है इसका कि अब अगर रमेश का चेक डिसऑनर हो गया तो क्या आप रमेश को छोड़ दोगे या उससे फिर भी पैसे मांगोगे. मांग
मांगेंगे। पैसे मांगेंगे, ऐसे थोड़ी कि उसका चेक डिसऑनर हो गया तो उसको कहेंगे चलो कोई बात नहीं, नहीं उसको उससे फिर पैसे लेंगे। तो फिर उसको हम अपना बना रहे हैं इस एंट्री से डेटर, कि रमेश तुम अब फिर से हमारे डेटर बन गए हो, अब तुम पैसे देना, चाहे तो सही चेक देना चाहे तो कैश दे देना, पर अब हम तुमसे दोबारा लेके रहेंगे। और दूसरा इसका लॉजिक है कि आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, मतलब आपने ऐसा शो कर दिया था जैसे आपके बैंक में पैसे आ गए हैं बट आए नहीं हैं, इसलिए उसको उल्टा करके दिखा दिया कि एक्चुअली आए नहीं थे बैंक में पैसे, हमको ऐसे ही लगा कि आ गए हैं। सो सिंपली वजह आपने पास की है रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री। इतना लिख लिया उसे अक्षत? यस मैम। ओके। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट में एक थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रही हूं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट चेक रिसीव्ड फॉर 14,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 15,000 फ्रॉम हिमानी। ओके, पहले तो आराम से टेक 1 मिनट एंड इसकी एंट्री पास करें। और मैंने अक्षत से पूछ लिया है, सही सही एंट्री पास करके बताएं। यस वैसे अक्षत पास कर ली एंट्री, यस मैम। बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट 14,500, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 500 टू हिमानी अकाउंट 15,000। राइट, गुड। ठीक है अक्षत, अब ये हमने पास कर दी है। अब अगला पॉइंट, हिमानीज चेक डिसऑनर्ड। अब आप कोशिश करें एंट्री पास करने की। यस भव्य, ट्राई कर सकते हो उसे। इनामी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब यही हम, डिस्काउंट अलाउड। हाँ, अब यही मैंने आपको सिखाना है कि जब मैंने बोला रिवर्स एंट्री तो क्या ये पूरी एंट्री घूम जाएगी? तो लेट मी टेल यू, यस, ये पूरी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और इसका मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ, पहले लिख लेते हैं। पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स हो गई, हिमानीज अकाउंट डेबिट पे आ गया, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। पूरी एंट्री रिवर्स होने का मतलब क्या है अभी मैंने आपको बताना है। तो वैसे
यहाँ पे आप हिमानी से बहुत गुस्सा कर रहे हो। क्या गुस्सा कर रहे हो? कि एक तो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया, ऊपर से तुम्हारा चेक भी डिसऑनर हो गया। अगली बार मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें अच्छा समझ के तुम्हें डिस्काउंट दिया, तुम्हें 500 की छूट दी, बट तुमने जो चेक दिया वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। आपको पता है मुझे, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ चेक बाउंस होने पे? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बैंक जो है मेरा बैंक, वो मुझसे पैसे चार्ज करता है कि मैंने उसका टाइम वेस्ट करवा दिया, चेक भी बाउंस हो गया। तो हो सकता है मुझे बैंक को कुछ, नॉमिनल अमाउंट होता है, हो सकता है अराउंड 100 रुपीज मुझे बैंक को देने पड़ रहे हैं एज अ चार्ज, क्योंकि मैंने बैंक का टाइम भी वेस्ट किया। और यही बात मैं हिमानी को बोल रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे पेनल्टी लग गई है बैंक की तरफ से। चेक डिसऑनर होना कोई अच्छी बात तो होती नहीं। तो मुझे हिमानी से चेक मिला, मैं गुस्सा कर रही हूँ हिमानी को कि एक तो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया, ऊपर से तुम्हारा चेक भी डिसऑनर हो गया। तो हिमानी कह रही है क्या हो गया, मैं फिर से दे दूंगी पैसे। तो मैं हिमानी को बोल रही हूँ कि मेरे बैंक ने मुझसे पेनल्टी ले ली है, और सिर्फ पेनल्टी नहीं, मेरा अकाउंट का रिकॉर्ड भी तो खराब हो रहा है। चेक डिसऑनर होना किसी के भी अकाउंट को भी खराब करता है, चाहे चेक वो हिमानी का था बट लगा तो मेरे अकाउंट में। तो चेक डिसऑनर होने से मैं बहुत ही गुस्सा हो रही हूँ हिमानी पे, और मैं उसको क्या बोल रही हूँ, अगली बार मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दूंगी। नहीं दूंगी। अब तुम मुझे 15,000 ही देना। वैसे तो मैंने तुमसे 14,500 लेने थे, बट अब नहीं, अब तो 15,000 ही देना। तो मैंने हिमानी को अपने यहाँ पे डेटर बनाया है 15,000 से, और बैंक अकाउंट जिसमें मुझे लगा था पैसे आ गए हैं, एक्चुअली आए नहीं थे। और जिंदगी में पहली बार आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट पे आ रहा है। अभी तक तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा किस साइड आता था? हाँ डेबिट। तो कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं मैम ये डिस्काउंट अलाउड नहीं होना चाहिए, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए। बट दैट इज नॉट ट्रू। हम यहाँ पे कोई डिस्काउंट लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो डिस्काउंट अलाउड को कैंसल कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्रेडिट पे आ रहा है तो ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए। नो, वी आर नॉट एक्चुअली रिसीविंग एनी डिस्काउंट, वी आर जस्ट कैंसलिंग द डिस्काउंट दैट वी गेव अर्लियर। कि ये अब तुम लायक ही नहीं हो इस डिस्काउंट के, ये कट कर रहे। सो ध्यान दीजिएगा, जब चेक डिसऑनर होता है तो पूरी एंट्री ही रिवर्स होती है। यहाँ पे हिमानी को हमने डेटर बना दिया 15,000 से, मेरे बैंक अकाउंट में जो मुझे लग गया था कि पैसे आ गए बट एक्चुअली आए नहीं है, और जो डिस्काउंट मैंने दिया था हिमानी को वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए बच्चे, अभी तक पहली बार आप देख रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट पे आ रहा है। तो बच्चों को लगता है कि ये डिस्काउंट रिसीव्ड होना चाहिए, बट दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिसीविंग एनी डिस्काउंट हियर, वी आर जस्ट कैंसिलिंग द डिस्काउंट अलाउड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम। सो बी वेरी वेरी केयरफुल यहाँ पे। अब जो हमने एक पॉइंट छोड़ा है अपने होमवर्क क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 15, आप वो एक बार पूरा करके बताएंगे मुझे। 15 सभी बच्चे पूरा करेंगे। Done, good, that's good।
भव्या आपने कर लिया उसे? यस मैम। गुड। ओके अक्षत बच्चे बताइए कि एंट्री पास किया आपने? MY अकाउंट डेबिट 8000 टू बैंक अकाउंट 7850 टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 150। वेरी गुड, सबने ये एंट्री पास की है। यस। चलो अब क्विकली एक बार हम सारा होमवर्क का ये जो आंसर है देख लेते हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट 65100 आ रहा है, फिर ये एंट्री की थी, एक बार सारी चेक कर लो। मैंने वैसे सारी चेक करवा दी है, ये आपने अभी करके बताइए। वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यस प्रियंका विषय हैव यू नोटेड? यस मैम। एंड सानिया धृति? यस मैम। यस ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कोई और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। चलिए डेप्रिसिएशन charged on machinery, depreciation charged on machinery. ओके भव्य विषय बताइए इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? मैम मशीनरी अकाउंट, मैम मशीनरी में क्या करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? मशीनरी में माइनस करते थे। ठीक है, और दूसरा मैम कैश में? नो नो सोचो, मैंने जब ये पॉइंट डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि कैश में से कभी माइनस मत करना, क्योंकि अगर आपके कार की वैल्यू कम हो जाती है, लेट्स से आपने 5 लाख की कार खरीदी और अब उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई, तो आप किसी को अपनी पॉकेट से 1 लाख रुपीज निकाल के नहीं देते। अक्षर दूसरा ट्रीटमेंट बताइए उसे इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में। मुझे दिख नहीं रहा है वो आपका हाथ सा रहा है। अब दिख रहा है? यस मैं कॉपी से दिख रही है उसका, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लग लिखा हुआ दिख रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी इसका हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट करते थे? कैपिटल अकाउंट में से माइनस। हाँ जी कैपिटल अकाउंट में से माइनस, क्योंकि हम कहते थे कि मशीन डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस। नोट करिए मुझे इतना। अब हम बात करते हैं जर्नल की, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हुई। जर्नल की बात करते हैं तो वैसे इसमें दो अकाउंट्स खुलते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीनरी अकाउंट। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, आप मुझे वो पर्सनल रियल नॉमिनल वाले तरीके से करके बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड टू मशीनरी अकाउंट। राइट, सो जैसे हमने बोला कि डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है, एक तरह का नुकसान हो गया, तो प्रेरिका बताइए पर्सनल रियल या नॉमिनल? पर्सनल
नॉमिनल रूल बोल के बताइए। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स एंड प्रॉफिट्स। तो इसको क्या करना चाहिए? डेबिट और मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल रूल बोलिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जी यहाँ पे मशीनरी नॉट फिजिकली गोइंग आउट बट वी मीन दैट उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है? तो क्रेडिट, तो इसकी एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अच्छे से नोट करिए। Done ma'am. Good. Done ma'am. Good. तो बच्चे अभी इस टाइम तक मैंने जितना आपको जर्नल करा दिया है इस टाइम तक, इसका टेस्ट है सैटरडे को। इस पॉइंट तक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक दो कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं बट यहां तक पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर। कैश रिसीव फ्रॉम राम फॉर बैड डेट्स रिटन ऑफ लास्ट ईयर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बैड डेट्स होते हैं कि हम अपने मन को समझा लेते हैं कि भाई ये पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, और बैड डेट्स एक लॉस होता है। बट व्हाट इफ, जिंदगी में तो कुछ भी हो सकता है। वॉट इफ अचानक से आपको रिकवरी हो जाए उन पैसों की? हो सकते हैं भाई, जिनको हमने बैड डेट्स मान लिया था, अगर अचानक से हमें उसकी रिकवरी हो जाए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कौन से दो अकाउंट्स खोलेंगे?
तो ध्यान दीजिए बच्चे, कैश अकाउंट तो खुलना ही चाहिए है ना? बोलिए। यस मैम। दूसरा कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा खुलना चाहिए, फिर मैं ये भी बताऊंगी कि आपके मन में क्या आ रहा होगा। चलो पहले आप ही बता दो आपके मन में क्या आ रहा है, दूसरा कौन सा अकाउंट खुलना चाहिए? राम्स अकाउंट। ओके, जैसे आपके मन में मुझे लगता है कि आ रहा होगा राम्स अकाउंट, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई इज इट नॉट करेक्ट उसका मैं अभी आपको आंसर देती हूँ, पर यहाँ पे जो हमें अकाउंट खोलना है दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इतना लंबा नाम बट यही नाम है। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेफिनेटली आपके लिए खुशी की बात है, प्रॉफिट की बात है, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं की थी। तो बताइए अक्षत, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, रूल बोलो नॉमिनल का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड लॉसेस। मिक्स हो गया, पहले ठीक बोल रहे थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ गेन फॉर यू, दिस इज अ प्रॉफिट बिकॉज यू वर नॉट होपिंग फॉर इट बट यू हैव रिसीव्ड इट, सो दिस हैज टू बी क्रेडिटेड। और विषय कैश क्या होता है प्रेरिका? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट। रूल बोलिए उसे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बताइए, इज कैश कमिंग इन और इज इट गोइंग आउट? हम, इट इज कमिंग इन सो इट विल गेट डेबिटेड। ठीक है अभिषेक, मैं आपको ये बताती हूँ व्हाई कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट इज इनकरेक्ट। व्हाई हमने कैश टू राम क्यों नहीं किया? अगर हम राम लिखते तो हम कहते वो पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो गिवर है तो उसका लिख देना चाहिए था नाम। वैसे तो इसमें कोई हमें गलत लग नहीं रहा है, बट फिर भी हमने ये एंट्री नहीं की है। तो ध्यान से सुनिए इसका आंसर बच्चे, इस एंट्री से लग रहा है, इस एंट्री से लग रहा है कि राम आपका क्या रहा होगा, बताइए। यस, इस एंट्री से लग रहा है कि राम आपका डेटर रहा होगा, तभी आपको उससे पैसे मिल रहे हैं। बट जब हमने बैड डेट्स वाली एंट्री की थी उससे तो हमने राम को अपना डेटर हटा दिया था। फिर से सुनिए बच्चे, ये एंट्री गलत क्यों है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, देखने में तो मतलब ठीक ही लग रही है कि राम से पैसे मिले हैं तो राम को ऐसे शो कर दो, बट ये गलत इसलिए है क्योंकि इस एंट्री से लग रहा है कि राम हमारा डेटर रहा होगा। लग रहा है कि राम हमारा डेटर रहा होगा, पर जब हमने बैड डेट्स वाली एंट्री की थी, बच्चे बैड डेट्स वाली एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू उसका नाम लिख देते हैं। यस और नो भव्य? यस मैम। तो उस एंट्री से जब हमने बैड डेट्स वाली एंट्री पास की होगी, राम को हमने अपने डेटर की कैटेगरी से खत्म कर दिया होगा कि अब हमारा राम से कोई लेन देन नहीं है। तो फिर अगर हम ये एंट्री करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तो ये लग रहा है कि राम पहले से ही आपकी बुक्स में एज अ डेटर आ रहा होगा, बट आ ही नहीं रहा वो तो एज अ डेटर। बट बैड डेट्स वाली एंट्री से
वह हमारे डेटर की कैटेगरी से रिमूव हो गया था। रिमूव हो गया था। तो बच्चे कभी भी अगर आपको अचानक से बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए तो आपने अकाउंट खोलना है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट खोलना। उस पर्सन का नाम नहीं खोलना। उस पर्सन का नाम नहीं खोलना। ओके बताइए भव्य, एक चीज हमेशा ड्रॉइंग्स होती है चाहे लिखा भी ना हो। जो पर्सनली उसके लिए निकाली जाती है। नहीं मतलब एक स्पेसिफिक चीज। लाइफ इंश्योरेंस। यस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। ओके बच्चे, अब एक क्वेश्चन मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप वो कर रहे हैं। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, काफी इजी है। और अगर मीटिंग फिर से कैंसिल हो जाती है तो फिर मैं दोबारा से जनरेट करूंगी, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट कर। विषय मिल गया अक्षत क्वेश्चन ग्रुप पे। क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन प्लस टू वाले ग्रुप में भेज दिया, सॉरी। नाउ यू मस्ट हैव गॉटन इट। यस मैम। यस मैम। चलो करते हैं।
Why think we have done this question before? Not exactly, Vishay. Not exactly this one. We must have done similar question. Exactly ये वाला किया? Yes, ma'am. Let me check. Okay. Yes. Probably. Huh. Here we are. Illustration 5. I think I gave this as homework. Yes, ma'am. चलो ठीक है विजय, then आप इसको एक revision के लिए एक बार फिर से कर लेना. जितने भी questions आपको भेजे हुए हैं मैंने journal के, वो सारे आप दोबारा करेंगे as a practice for the test. You'll do them again without of course looking at the answers. एंड अभी हमने जर्नल में बहुत कुछ करना है बच्चे. अगर मैं बोलूँ कि अभी जर्नल हमारा सिर्फ 30% हुआ है, अभी बहुत कुछ और बाकी है, बट जितना अभी तक हुआ है उसका टेस्ट लेना ज़रूरी है, इसलिए हम पहले टेस्ट ले रहे हैं. चलो फिर ये क्वेश्चन रहने दो, मैं आज की लास्ट बात लिखवा देती हूँ. बच्चे जैसे हमने कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा हमेशा ड्राइंग्स होती हैं, चाहे वो बताएं भी ना आपको, ऐसे ही एक और चीज हमेशा हमेशा ड्राइंग्स होती हैं, चाहे वो आपको बताएं भी ना. कॉन्सेप्ट, इनकम टैक्स पेड इज टू बी ट्रीटेड Income tax paid is to be treated as drawings always. इसका क्या मतलब है? हम मानते हैं कि बिजनेस में से ओनर पैसे निकाल के घर ले जाता है, फिर वहां जाके उन पैसों में से इनकम टैक्स पे करता है. तो बच्चे इनकम टैक्स पेड हमेशा हमेशा ड्रॉइंग्स माना जाता है, चाहे वो आपको बताएं भी ना. याद रखेंगे ये पॉइंट. तो अगर लिखा आएगा इनकम टैक्स पेड, तो आपने करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इज दैट ओके विषय? प्लीज रिपीट. यस, अगर विषय लिखा आएगा क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड, बस इतना लिखा है इनकम टैक्स पेड, लेट्स से 1000, तो आपने इसको हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट इसके लिए खोलना. रीजन बीइंग, हम मानते हैं कि इनकम टैक्स उसका पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो पैसे निकाल के लेके जा रहा है बिजनेस में से ओनर, और उन पैसों में से घर जाके इनकम टैक्स पे कर रहा है. टैक्स के बारे में हमने और भी बहुत बातें करनी है, स्पेशली जीएसटी के बारे में धीरे धीरे करेंगे. तो एग्जांपल अगर लिखा रहा है इनकम टैक्स पेड रुपीज 1000, तो इसकी आपने एंट्री करनी है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एक और चीज हमेशा हमेशा ड्रॉइंग्स होती है, बताइए भव्य. लाइफ इंश्योरेंस. यस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर. प्रेरिका विषय आपने ये नोट कर लिया? प्रेरिका विषय हैव यू नोटेड दिस? जस्ट वन सेकंड मैम. ओके, बिकॉज आई थिंक यू गॉट
आउट ऑफ द मीटिंग और समथिंग? यस ओके, वो हम डन मैम. चलिए जी, नाउ यू हैव टू रिवाइज. यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन विच एवर आई सेंट ऑन द ग्रुप टू प्रैक्टिस फॉर द टेस्ट. अच्छे से टेस्ट देना है, और क्या पता मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सरप्राइज में दे दूं, तो उसको भी एक बार रिवाइज करना है. तो आपके पास बहुत सारा काम हो गया है. सारे क्वेश्चंस करने हैं जर्नल के, रीडू. अगर मुझे और कोई मिलता है और भी भेज दूंगी. और अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है बच्चे.